हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। टेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है लीनियर पेयर्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें इस फिगर में चेक करके बताना है कि इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं और लीनियर पेयर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो इस एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि जब दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये एक लाइन हमने ली, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन ये है। देखिए यहां पर भी ऐसे ही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो देखिए यहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर इन दोनों लाइंस ने एक दूसरे को काटा है, तो ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है वहां पर देखिए ये एंगल और ये एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। अब हम इस फिगर में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहां पर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर देखिए ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटरसेक्ट कर रही है क्योंकि ये इसको क्रॉस करके नहीं जा रही है। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर हमने देखा था कि ये दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो यहां पर देख सकते हैं आप इसकी जगह यहां पर कौन सा एंगल है, एंगल वन, और इसकी जगह यहां पर कौन सा एंगल है, एंगल फोर, यानी कि एंगल वन और एंगल फोर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहां पर हमने लिखा एंगल वन एंड एंगल फोर। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इस एंगल की जगह यहां पर कौन सा एंगल है, एंगल फाइव, यहां से यहां तक। तो इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल होगा, इसके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होगा वो यहां से यहां तक होगा, यानी कि एंगल फाइव का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो एंगल टू और एंगल थ्री के सम के इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल फाइव एंड एंगल टू प्लस एंगल थ्री, यानी कि एंगल फाइव और एंगल टू प्लस एंगल थ्री का जो सम है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि इस फिगर में लीनियर पेयर्स कौन से हैं। इस एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनता है, जैसे कि ये हमने रफ स्केच तैयार किया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का एंगल होगा, और जब इस 180 डिग्री एंगल को कोई रे काटती है तो ये एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर कहलाते हैं क्योंकि इन दोनों को ऐड करके ये 180 डिग्री का एंगल वापस बन जाता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब हम इस फिगर में चेक करते हैं कि लीनियर पेयर्स कहाँ बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर यहां ऊपर की तरफ जो ये पूरा एंगल ये बनेगा यहां से यहां तक ये 180 डिग्री का एंगल होगा, और ये एंगल किसके द्वारा काटा गया, इस रे के द्वारा, यानी कि इन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी है। तो एंगल वन और एंगल फाइव क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहां पर हमने लिखा एंगल वन एंड एंगल फाइव, यानी कि एंगल वन और एंगल फाइव लीनियर पेयर हैं। अब आप इस स्ट्रेट लाइन को देखिए स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से यहां तक जो ये एंगल होगा ये 180 डिग्री का एंगल होगा, और ये एंगल कौन सी रे के द्वारा काटा गया, इस रे के द्वारा। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि एंगल फोर और एंगल फाइव ये भी लीनियर पेयर है क्योंकि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए
तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल पूरा कंप्लीट ये 180 डिग्री का तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एंगल 4 एंड एंगल 5, यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 भी लीनियर पेयर हैं। अब जो हम आपको बताएंगे इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि आप इस स्ट्रेट लाइन को देखिए, इसके ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो एंगल 5 और एंगल 1 लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि नीचे की तरफ भी तो ये 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा, तो इन तीनों एंगल्स का सम भी तो लीनियर पेयर बनाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर में जो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर का एंगल होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी स्ट्रेट लाइन के नीचे की तरफ ये 180 डिग्री का ही एंगल है, लेकिन ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और जब ये 180 डिग्री का एंगल तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो हम इसको लीनियर पेयर नहीं कह सकते हैं। इस केस में हम इन तीनों एंगल्स को लीनियर पेयर नहीं कहते हैं, बल्कि एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ऐसे ही आप इस स्ट्रेट लाइन को देख सकते हैं, अगर इस तरफ 180 डिग्री का एंगल बना है तो इस साइड भी तो 180 डिग्री का एंगल बना होगा, लेकिन यहां से भी आप देख सकते हैं कि ये तीन एंगल्स में डिवाइड हो गया है। अब क्योंकि ये तीन एंगल्स में डिवाइड हुआ है तो इस तरफ जो ये तीन एंगल्स है इनके सम को हम लीनियर पेयर नहीं कहेंगे, ये तीनों भी क्या कहलाएंगे, इन तीनों को भी हम कहेंगे एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन में एंगल 1 और एंगल 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं और एंगल 4 और एंगल 5 लीनियर पेयर बना रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।